नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम हिमांशु कुमार और आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल पे। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम एक ऐसे एप्लीकेशन के बारे में जानेंगे जिस एप्लीकेशन का ज़रूरत हर किसी को है। तो दोस्तों, यहाँ पे मैं जिस एप्लीकेशन का बात कर रहा हूँ, उस एप्लीकेशन का नाम है गूगल ट्रांसलेट। ये एप्लीकेशन आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे प्ले स्टोर में जाता हूँ और इस एप्लीकेशन को डाउनलोड करता हूँ। दोस्तों, मैं शुरू से करके आपको दिखा देता हूँ, आपको सर्च कैसे करना है, डाउनलोड कैसे करना है। सबसे पहले आपको सर्च ऑप्शन में जाना और यहाँ पर ट्रांसलेट लिख के सर्च करना है। दोस्तों, ट्रांसलेट क्लिक के सर्च करते हैं, यहाँ पे आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, पहला दो जो ऑप्शन है उस पर ad लिखा, यानी कि एडवर्टीजमेंट वाला। तो तीसरा जो ऑप्शन है उसके नीचे आप देख सकते हैं गूगल ट्रांसलेट तो लिखा ही है, प्लस उसके नीचे जो है गूगल LLC लिखा, यानी कि गूगल LLC कंपनी की है। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं, गूगल का जो भी जो ओरिजिनल जो भी एप्लीकेशन होता है उस पे, वो गूगल LLC कंपनी का ही होता है और उसके नीचे गूगल LLC लिखा आता है। तो दोस्तों, आप देख लें, आपको यही वाला जो थर्ड नंबर पे है बिल्कुल ऐसा ही, इसी पे क्लिक करना और इसको इंस्टॉल करना है। तो यहाँ पे मैं अभी इसको इंस्टॉल कर दे रहा हूँ, हालांकि थोड़ा समय लेता है इंस्टॉल होने में। और साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि अगर आप इसको पहले कभी इंस्टॉल कर चुके हैं तो आप सारा डाटा बैकअप भी कर सकते हैं, लेकिन मैं अभी यहाँ पे उसको स्किप करूँगा और सीधे इसको ओपन करूँगा। और हम उसके बाद हम देखेंगे कि इसमें आप ट्रांसलेट कैसे कर सकते हैं। कोई भी इंग्लिश में आर्टिकल है, हिंदी में है, इंग्लिश टू हिंदी, हिंदी टू इंग्लिश, या फिर कोई अदर लैंग्वेज में भी आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो अभी हम इस एप्लीकेशन को ओपन करेंगे और देखेंगे कि इसमें हम किसी भी चीज़ को या तो इंग्लिश से हिंदी, हिंदी टू इंग्लिश ट्रांसलेट कैसे करें। मैं इसे ओपन कर रहा हूँ, ओपन करते हैं, आप देख सकते हैं आपके पास कुछ ऐसा इंटरफेस आता है। ये 45 MB का ऑफलाइन ट्रांसलेशन फाइल डाउनलोड करने के लिए बोल रहा है। तो अभी मैं उसको स्किप कर दे रहा हूँ। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे दो लैंग्वेज लिखा आ रहा है, राइट साइड में यहाँ पे स्पेनिश में है, स्पेनिश लिखा है, और लेफ्ट साइड में इंग्लिश है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं इंग्लिश टू स्पेनिश हम अभी इसको कन्वर्ट कर सकते हैं, लेकिन फिलहाल अभी हम इंग्लिश टू हिंदी कन्वर्ट करके देखेंगे। तो इंग्लिश टू हिंदी कन्वर्ट करने के लिए हमें सबसे पहले यहाँ पे जो स्पेनिश है उस पर क्लिक करके उसको हिंदी में चेंज करना पड़ेगा। तो स्पेनिश पे मैंने क्लिक किया है, अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शंस आ रहे हैं। दोस्तों, गूगल ट्रांसलेट जितना ऑप्शन देता है उतना कोई अदर एप्लीकेशन नहीं देता है। तो देख सकते हैं यहाँ पे आपको बहुत सारे ऑप्शंस आ चुके हैं। तो इसमें से अभी सबसे पहले हम हिंदी पे क्लिक करेंगे, क्योंकि हमें इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट करके देखना है। तो मैंने हिंदी पे क्लिक कर दिया है। आप देख सकते हैं यहाँ पे स्क्रीन पे एक तरफ इंग्लिश और दूसरी तरफ हिंदी लिखा हुआ आ रहा है। तो आप एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान दें कि यहाँ पे टैप टू इंटर टेक्स्ट लिखा रहा है। तो हम सबसे पहले यहाँ पे कुछ टैप करेंगे तो यहाँ पे हम वो सेंटेंस इंसर्ट करेंगे जिस सेंटेंस का हमें हिंदी में ट्रांसलेशन चाहिए। तो सबसे पहले हम चलते हैं इसे बाहर और एक कोई आर्टिकल हम छोटा सा कॉपी करेंगे, उस आर्टिकल को यहाँ पे इंग्लिश से हिंदी में कन्वर्ट करके देखेंगे कि कन्वर्ट होता है, कैसा होता है, कितना होता है। तो सबसे पहले हम यहाँ से निकलते हैं और सबसे पहले कहीं से एक आर्टिकल लेते हैं। मैं यहाँ से मनी कंट्रोल ऐप से एक न्यूज़ का आर्टिकल ले रहा हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं कॉपी कर लेता हूँ थोड़ा, एक छोटा सा पार्ट एक आर्टिकल का मैंने यहाँ से कॉपी कर लिया। अब आप देख सकते हैं स्क्रीन पे एक पॉपअप भी आ चुका है। आप देख सकते हैं ये पॉपअप आ रहा है गूगल ट्रांसलेटर का। इस पॉपअप पे क्लिक करके भी आप ट्रांसलेट कर सकते हैं। वैसे मैं एप्लीकेशन में जाके आपको बता रहा हूँ कि एप्लीकेशन में जाके आप कैसे ट्रांसलेट कर सकते हैं। दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ पे मैंने एप्लीकेशन खोल लिया है। अब यहाँ पे ट्रांसलेट करने के लिए आपको सबसे पहले टैप टू इंटर टेक्स्ट पे क्लिक करना है। क्लिक करते हैं, आप देख सकते हैं यहाँ पे कीबोर्ड आता है। या तो आप टाइपिंग करके करना चाहें ट्रांसलेट तो टाइपिंग कर लें, या फिर आप क्या करें जहाँ पे इंग्लिश लिखा है वहाँ पे कुछ देर तक क्लिक करें और फिर पेस्ट ऑप्शन पे क्लिक करें। आप देख सकते हैं यहाँ पे जो है इंग्लिश टू हिंदी ट्रांसलेट हो चुका है। तो दोस्तों, ऐसे ही आप किसी भी लैंग्वेज से किसी भी दूसरे लैंग्वेज में आप सेंटेंस को ट्रांसलेट कर सकते हैं। ये बिल्कुल आसान है। और दोस्तों, मैं तो कहूँगा कि आप इस एप्लीकेशन को एक बार ट्राई ज़रूर करें। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें, साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। धन्यवाद। जय हिंद। वंदे मातरम।